क्वेश्चन नंबर 50, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर। एक वायर है जिसकी और दूसरा एक ट्यूब है। वायर का जो मास है वो 4 ग्राम है और मास पर यूनिट लेंथ निकालना हो तो 4 ग्राम अपॉन 1000 किलोग्राम हो जाएंगे। पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी है, 40 अपॉन 100, इसके बराबर हो जाएगी। मास पर यूनिट लेंथ इतना हो जाएगा, इससे काटना चाहे तो ये काट सकते हैं, इससे काटना चाहिए 10 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर। इसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर है, 1/100 किलोग्राम पर मीटर है। ओसिलेट्स इन इट्स सेकेंड हार्मोनिक्स। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी ऑफ वायर सेकेंड ओवर टोन में है, लैम्डा किसके बराबर होगा, लैम्डा जो एल के बराबर होगा, ये लैम्डा बाय टू, ये लैम्डा बाय टू, वो एल के बराबर है, वो कितना है, 0.440 सेंटीमीटर यानी 4 मीटर। वायर के अंदर वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, टेंशन अपॉन म्यू अपॉन वेवलेंथ, इसके बराबर होगी। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वेवलेंथ की वैल्यू जो है 0.4 के बराबर है, टी टेंशन हमें निकालना, म्यू की वैल्यू जो है 1/100 है। वायर के अंदर जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या होगी, इसके बराबर होगी। अब आते हैं ट्यूनिंग फोर्क। अब इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वही क्या होगी, इसकी फ्रिक्वेंसी होगी फोर्स ऑसिलेशन है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वही क्या होगी, इसकी फ्रिक्वेंसी होगी फ्रिक्वेंसी इन द ट्यूब निकालनी है। सेट्स द एयर कॉल ट्यूब इन टू वाइब्रेशन इन इट्स फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड के अंदर सेट कर देता है। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है एयर कॉलम की वो किसके बराबर होगी, वी अपॉन 4L के बराबर होगी। वी क्वेश्चन के अंदर कितना दिया, 340 दिया हुआ है, अपॉन 4 × 1 इसके बराबर होगी। और ये दोनों फ्रिक्वेंसी क्या करेंगी, मैच करेंगी, तो 1/10/4 T × 100 अंडर दी रूट वो किसके बराबर होगा, 340/4 के बराबर होगा। इसको करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3×200 आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, 34 का स्क्वेयर करेंगे तो कितना होगा, 416, 1 × 4 = 12 × 24 और 25, 3 × 9 = 11 इतना हो जाएगा। टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 11.56 के बराबर हो जाएगी। इतना टेंशन होगा न्यूटन, ये हमारा आंसर है। जो टेंशन है वो किसके बराबर होगा, 11.56 न्यूटन के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, ए 30 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर हैविंग ए मास, इसका मास पर यूनिट लेंथ निकाले। मास जो है 10 ग्राम दिया हुआ है, किलोग्राम बनाएंगे तो 100 से, लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 1/30 किलोग्राम पर मीटर। फिक्स्ड एट द टू एंड्स पे फिक्स्ड है। वाइब्रेट्स इन फंडामेंटल मोड, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, फंडामेंटल मोड का मतलब है 2/2L T/μ। लैम्डा जो है L/2 के बराबर होगा, सॉरी L जो है λ/2 के बराबर होगा, लैम्डा का जगह 2L हो जाएगा, V/2L। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे फ्रिक्वेंसी की, टी तो हमें पता नहीं है, वो निकालना है टेंशन, न्यू की वैल्यू जो है 130 है तो 30 पर चला जाएगा अंडर दी रूट 1/2L, 2 इसकी वैल्यू कितनी है, 0.3, 30 है, 30 सेंटीमीटर है, मीटर बनाएंगे इतनी हो जाएगी। अब इससे क्या कर रहे हैं, ए 50 सेंटीमीटर क्लोज ऑर्गन पाइप, 50 सेंटीमीटर क्लोज ऑर्गन पाइप है, इसकी जो लेंथ है 50 सेंटीमीटर यानी 1/2 मीटर है। प्लेस इट ओपन एंड नियर द वायर, इज सेट अप इनटू रेजोनेंस इन फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेटिंग वायर।
तो ये फंडामेंटल मोड के अंदर सेटअप हो रहा है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, जो इसकी फ्रिक्वेंसी है, दोनों की फ्रिक्वेंसी को इक्वेट कर देते हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी वेलोसिटी ऑफ साउंड वो कितनी है, 340 अपॉन 4 है, एल की वैल्यू कितनी है, 1/2 इसके बराबर होगा। इसके अंदर जो फ्रिक्वेंसी होती है फंडामेंटल मोड में वो क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन 4 है, वही लिखी है, दोनों फ्रिक्वेंसी क्या होंगी, मैच होंगी, तो ये 2 आएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, स्केरिंग कर देते हैं, पहले इसको इधर ले जाते हैं, तो टी इंटू अंडर रूट 30 वो किसके बराबर होगा, 0.3 अपॉन 10 इंटू 340 3 × 12 × 10 इसका स्केरिंग कर देते हैं दोनों साइड, तो इधर तो आ जाएगा टी इंटू 30 100 का स्केयर निकालना है तो इसको 100 प्लस 2 का स्केयर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 100 10,000 प्लस 4 प्लस 400 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, टी की वैल्यू हो जाएगी 30, इसको करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 3 × 9 3 × 12 3 × 21 तो इसको काटेंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी 347 के आसपास आंसर आएगा न्यूटन।